Hello friends, myself Devin Kumar Warrior, guest lecturer in the chemical branch of Government Polytechnic Sarsairad. पिछली यूनिट में हमने बात की थी कंट्रोलर्स के ऊपर, कंट्रोलर कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जिसमें तीन टाइप के कंट्रोलर्स मैंने आपको बताए थे, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। यहाँ पर यूनिट पाँच जो है हमारी एपीसी की, ठीक है, तो इसमें यूनिट पाँच में जो है सबसे पहले तो आता है स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम सिंबल्स। अगर आप देखेंगे तो ये वो ब्लॉक डायग्राम बना लिए बना नहीं होता है, तो उसमें जो सिंबल्स होते हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। जिसमें आर होता है आपका, ये पहला होता है सेट पॉइंट। सेट पॉइंट का मतलब क्या होता है? सेट पॉइंट का मतलब ये होता है जैसे आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट कर तो उसका इनिशियल कंडीशन आप रखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल टेम्परेचर इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका सेट पॉइंट, ठीक है। सी सी है हमारा कंट्रोल्ड वेरिएबल, जो कि यहाँ से हमें इस प्रोसेस से हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एप्साइलेंट, एप्साइलेंट का मतलब होता है इरर। इरर देखिए, जैसे आपने मान लीजिए 90 डिग्री आपने सेट पॉइंट रखा था, तो मेजरिंग एलिमेंट ने उसको मेजर कर देखेगा कि कितनी डिफरेंस आ रही है उससे, ठीक है। इरर का मतलब क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस सेट पॉइंट, मेजर्ड वैल्यू डिफरेंस सेट पॉइंट, ठीक है। बी वेरिएबल प्रोड्यूस्ड बाई मेजरिंग एलिमेंट, ठीक है, मेजरिंग एलिमेंट जो भी वेरिएबल प्रोड्यूस करेगा। एम मैनिपुलेटेड वेरिएबल, यू है ये, सॉरी मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो भी हम उसमें मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। यू लोड वेरिएबल, जैसे जो भी सिस्टम पे प्रोसेस में लोड डाला जाता है, जैसे लोड मतलब डिस्टर्बेंस, ठीक है। जी सी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोलर, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोलर का मतलब ये है कंट्रोलर का आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो। जी वन फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का ट्रांसफर फंक्शन, जी टू प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन, और एच जो है मेजरिंग एलिमेंट का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद बात आती है इसमें ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ फ्लो सिंगल लूप सिस्टम। वेट फॉर वेट प्लीज। ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए सिंगल लूप, देखिए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिंगल लूप, इसका मतलब क्या होता है? जो ट्रांसफर फंक्शन होता है इसकी हेल्प से हमें क्या मिल सकता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सिस्टम के अकॉर्डिंग। ट्रांसफर फंक्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन ये बताता है कि जो सिस्टम हमारा वो उसके उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मतलब वो सिस्टम कैसा है, सिस्टम फास्ट है, स्लो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम? इसकी मदद से हम कर सकते हैं जो कि ये जो हमें कंट्रोलर का रिस्पॉन्स बताता है, ठीक है। It tells us about the response of controller. ठीक है, अब अगर देखिए इसमें जो होता है दो तरीके का चेंज होता है, एक तो चेंज होता है सेट पॉइंट में, सेट पॉइंट, सेट पॉइंट को हमने किससे डिनोट किया था वहां पर? सेट पॉइंट को हमने डिनोट किया था यू से, सॉरी आर से, ठीक है। और जो लोड वेरिएबल सी एच ए एन जी चेंज एंड चेंज इन
load variable, load variable को use है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अगर जो हम अगर set point को वैल्यू फिक्स ना करें और लोड वेरिएबल को अगर हम जीरो करके प्रॉब्लम को फाइंड करें, ऐसी सिचुएशन जहां पर हमारा लोड जीरो हो, ठीक है, इफ लोड इज जीरो एंड सेट पॉइंट इज आर, देन दिस इज सर्वो प्रॉब्लम, ठीक है। और इफ सेट पॉइंट आर इज जीरो एंड लोड वेरिएबल सेट पॉइंट आर इज जीरो एंड लोड वेरिएबल इज यू, देन इट इज रेगुलेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो हमारा सिंगल लूप होता है ये हमें इसके बारे में बताता है कि सिस्टम हमारा कैसा है और क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। अब बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल चेंज, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर चेंज इन सेट पॉइंट, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर चेंज इन सेट पॉइंट, ठीक है। तो सेट पॉइंट में चेंज के लिए क्या होता है, यू जो होता है हमारा इन दिस केस, इसका जो जंक्शन है यू इज इक्वल टू जीरो, इसमें सेट लोड वेरिएबल में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा इसका, ऐसा होगा आर ऑपरेटर प्लस माइनस एप्सिलॉन इधर जीसी G1, G2, C, H, ये हो जाएगा हमारा B यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लोड वेरिएबल क्यों नहीं लगाया U, क्योंकि वो जीरो है, तो उसको लगाने से कोई भी मतलब बनेगा नहीं, वो एक एक्स्ट्रा अननेसेसरी टर्म ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, अगर हम इसको देखना शुरू करें यहाँ से सी बराबर हमारा क्या बनेगा, अगर हम इस पूरे टर्म को अगर देखिए, जैसे आपने अगर इसको सॉल्व करें ब्लॉक डायग्राम को रिटर्न करने का सबसे बड़े तरीके आप ये समझिए कि अगर आपने हाई स्कूल वगैरह में सर्किट्स पढ़े होंगे फिजिक्स में, अगर दो इस तरह से होते तो इनको कहते थे सीरीज, और अगर दो इस तरीके से होते थे कनेक्शन तो इनको कहते थे पैरेलल, तो यहाँ पर ये भी सीरीज में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, तो इसको हम एक ओवरऑल जी दे सकते हैं। ओवरऑल जी के लिए क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए जी सी इंटू जी वन इंटू जी टू, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको इस फिगर को हम इस तरीके से भी तो बना सकते हैं, इस हिसाब से आर कंपरेटर प्लस माइनस जी सी एच बी, ठीक, ये बी है सॉरी, तो ये जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तब यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, आर इंटू जी, सी की वैल्यू एप्सिलॉन सॉरी आर होगी ई, C
सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी इंटू एप्साइलन हो जाएगी, ठीक है। और एप्साइलन की वैल्यू कितनी होगी, एप्साइलन जो हमारी इरर है, इरर मतलब क्या, मेजर वैल्यू माइनस सेट पॉइंट वैल्यू, आर इज इक्वल टू एप्साइलन इज इक्वल टू आर माइनस सी। अब यहाँ पर हम सी नहीं लेंगे, मेजर वैल्यू बी है, सॉरी आर माइनस बी, ओके। अब बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर बी की वैल्यू एच इंटू सी हो जाएगी, बी की वैल्यू एच इंटू सी, ठीक है। अब देखिए एप्साइलन की वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन नंबर एक दो तीन चार, ठीक। अब क्या करेंगे, एप्साइलन की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एप्साइलन फ्रॉम 3 to 2, ओके। तो सी जी आर माइनस बी, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी, एच सी जी इंटू आर माइनस एच सी, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, जी आर माइनस जी एच सी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे, सी अपॉन आर, देखिए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। इसमें इनपुट क्या है आर, और आउटपुट क्या है सी, तो सी अपॉन आर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से आर कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा जी माइनस जी एच सी अपॉन आर, उसको फिर मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ करेंगे तो क्या आएगा, सी अपॉन आर जी वन प्लस जी एच, ये आएगा इसमें। अब बीच के स्टेप को आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन आप भी कीजिए क्योंकि आपको मैथ सॉल्व आपको करनी है, ठीक है। चलिए गाइस अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, इसके आगे ये टॉपिक पर, जो कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फॉर चेंज इन लोड। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, एपीसी थोड़ा सा हार्श सब्जेक्ट, हार्श कैसा है कि इसमें आपको चीज़ें बहुत सारी याद रखनी होती हैं, दूसरे केमिकल के सब्जेक्टों की तरह ये नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा कई चीज़ों को इसमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको, दिमाग में अपने उसको मेंटेन रखिए, ओके। और आप समझ गए होंगे इस बात को, अगर आपने अब तक पढ़ा होगा तो इसमें काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, इसीलिए ऑलवेज अपनी नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। मैं आपको यही सलाह सबको देता हूँ कि अपने नोट्स खुद बनाइए, किसी भी इंसान के नोट्स पर मत जाइए क्योंकि उसमें 10% गलतियाँ होती ही होती हैं, और अगर आप उससे लिखेंगे तो वो 10% गलतियाँ आप करेंगे और 10% गलती पिछले इंसान की, तो 20% गलती हो जाएगी। सो प्लीज़ खुद अपने नोट्स बनाइए, जीवन, अब यहाँ पर हमें लगेगा लोड जी टू सी, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल फॉर सेट ट्रांसफर फंक्शन फॉर चेंज इन लोड, अब यहाँ पर हम लोड चेंज की बात करें तो सेट पॉइंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ऐसा नहीं बनेगा कि दोनों एक साथ ही चेंज हो रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा जल्दी से, आपके सिलेबस में है भी नहीं और मुश्किल से बनता भी नहीं है वो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम यू की अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, एम इंटू जी टू, मत निकालिए कोई फायदा नहीं होगा, एम यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम सी की वैल्यू पूछे तो क्या होगी, जी टू इंटू यू प्लस एम, C इज इक्वल टू जी टू इंटू यू, सॉरी डब्ल्यू नहीं है, यू है,
प्लस एम। इक्वेशन नंबर एक, ठीक। अब क्या है, अब अगर आप एम की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी, एम की वैल्यू जी सी जी वन एप्सिलॉन बनेगी, क्योंकि ये सब एक साथ आ रहा है। एम की वैल्यू जी सी जी वन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर टू सेकेंड, ठीक है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू इसमें कितनी होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू ई माइनस में बी होगी। देखिए यहाँ पर जो हमारा चेंज हो रहा है वो लोड में चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये फॉरवर्ड बैकवर्ड काम कर रहा है हमारा। उसमें था कि उसमें केवल फॉरवर्ड ही काम कर रहा था, लोड में चेंज था ही नहीं कुछ भी, तो फॉरवर्ड काम कर रहा था तो इसलिए वो पॉजिटिव प्लस में था, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको ये। अब बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे, एच सी, इक्वेशन नंबर फोर, ठीक। अब चलिए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, C इज इक्वल टू जी टू यू माइनस एम। अब M की वैल्यू यहाँ से रखिए आप इसमें, ठीक है। C इज इक्वल टू जी टू यू माइनस जी सी जी वन एप्सिलॉन फ्रॉम, ऐसे लिखते जाकर इस साइड में, इससे कि एग्जामिनर को आराम रहता है। फ्रॉम इक्वेशन टू, अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो इक्वेशन एग्जामिनर को ये आराम रहता है, उसको ये पता चलता है कि बच्चे को आता है, वरना आपने ऐसे डायरेक्ट कर दिया तो वो उसको पता तो है पर उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता कॉपी पे आपका। ये भी एक रीजन रहता है कि मार्क्स कम जाते हैं बच्चों के, फिर बच्चे कहते हैं मैंने लिखा था पर ना मार्क्स नहीं मिले। जी टू यू माइनस जी सी जी वन यहाँ पर माइनस बी, ठीक है। तो ये माइनस बी कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, ठीक है। अब बी की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, जी टू यू माइनस जी सी जी एच वन माइनस का एच सी फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई और पूरा सब कुछ कॉमन वगैरह लेंगे, तो मैं आपको फाइनल आंसर लिखता हूँ और आप उसे कैलकुलेट करें, ओके। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, अब देखिए इसमें इनपुट क्या है, देखिए आर तो यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक है। तो इनपुट हमारा क्या है, ये है इनपुट लोड वेरिएबल यू, इनपुट इक्वल टू लोड वेरिएबल, ठीक है। जब सेट पॉइंट जीरो है तो लोड हम जितना डालेंगे वही हमारा इनपुट है, तो यू, ठीक है, इज इक्वल टू जी टू अपॉन वन प्लस जी एच। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारा, ठीक है। सो आप इसको प्लीज आगे सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ओके, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस बेसिक्स पर जाइए और आपको ये मिलता चला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज मल्टी लूप सिस्टम, सॉरी ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर क्लोज मल्टी सिस्टम। देखो मल्टी लूप सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने हाई स्कूल की अगर इंटर की मैं फिजिक्स की तरफ लेके जाऊँ, फिजिक्स सेकंड की, तो उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि कुछ एक सीरीज में भी कनेक्शन होते थे और कुछ कनेक्शन मल्टी लूप उसमें भी होते थे, ऐसे करके जो कॉम्प्लेक्स फिगर बनते थे और एक नीचे से ऐसे लगा होता था पूरे में, कुछ ऐसा होता था ये, तो मल्टी लूप सिस्टम हो गया। तो ऐसे सिस्टम यहाँ पर भी बनता है इसमें, ठीक है।
देखिए मल्टी रूम सिस्टम का जो पीछे आप अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में कई क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ जिससे आप उसको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं उसके, ठीक है। देखिए एक लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया, तो ये मल्टी लूप सिस्टम हो गया, ठीक है। तब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, जी सी इंटू पी प्लस क्यू, ठीक। y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं इसमें, बट हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स की वैल्यू ना अपने आप ही मिल चली जाएगी। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जी सी इंटू पी प्लस क्यू, ठीक। अब आर की वैल्यू क्या हो, पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, पी की वैल्यू आएगी आर इंटू जी बी, ठीक। तो अब R की वैल्यू निकालेंगे जब हम, अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x इंटू जी ए माइनस वाई, ठीक है। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू जी ए माइनस वाई, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए वैल्यू रखना शुरू करते हैं इसमें, फ्रॉम इक्वेशन एक दो तीन, फ्रॉम इक्वेशन वन, वाई जी सी पी प्लस क्यू, ठीक। तब इसमें पहले वैल्यू रखिए, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई इंटू जी सी पी प्लस जी सी क्यू, ठीक। फिर क्या, पी की वैल्यू रखिए और यहाँ Q की वैल्यू बताता हूँ मैं, आप Q की वैल्यू आएगी जी, Q की वैल्यू आएगी जी सी इंटू एक्स, यहाँ पे एक और बनेगा Q इक्वल टू जी सी इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो क्या हो जाएगा ये, जी बी जी सी एक्स जी ए माइनस वाई प्लस जी सी इंटू एक्स, फिर क्या बनेगा, अब यहाँ से इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स जी ए जी बी जी सी माइनस जी बी जी सी वाई प्लस जी सी इंटू एक्स, ठीक है। फिर यहाँ से y अपॉन x निकालिए, इट इक्वल टू जी सी वन प्लस जी ए जी बी अपॉन वन प्लस जी बी जी सी, ठीक है, हो जाएगा। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखिए इसका लास्ट टॉपिक बचा है, प्रोपोर्शनल कंट्रोल एट स्टीयर टैंक हीटर फॉर सेट पॉइंट चेंज और फॉर
एंड फॉर लोड चेंज। एक मिनट, चलिए इसको यही ख़त्म करते हैं। इसमें एक टॉपिक बचा है जिसको मैं आपको कल करा दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रही है आपको, ठीक है। प्लीज़ चैनल को आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है।